नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में। मैं हूं आपका मित्र, आपका साथी सुमंत कुमार। और आज जो हम आगाज करने जा रहे हैं, आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति की बात है, देश की जो सर्वोच्च पद जो है उसकी बात है। तो इससे संबंधित जितने भी आज आर्टिकल हैं, यानी कि उसके और भी जो बचेंगे हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र का प्रमुख होता है, हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है। इसलिए उससे संबंधित सारे सवाल जो है हमें हर तरह के परीक्षा, चाहे वह किसी भी स्तर, दिवसीय स्तर का एग्जाम हो, उसके अलावा UPSC PPSC यानी कि हर तरह के एग्जाम्स में जो सवाल है, यानी कि सिविक्स में, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। तो चलिए हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख जो आज अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की व्यवस्था है, राष्ट्रपति के कौन कौन से काम हैं, उनकी जो योग्यताएँ हैं, उनकी जो अर्हताएँ हैं, है ना, उनसे संबंधित जो शक्तियाँ हैं, यानी किसके जो अनुच्छेद के तहत मतलब सजा गया है कि हमें हमसे यही पूछी जाती है एग्जाम में। तो हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के परिचय बात करें तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, क्या है हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की चुनाव जो होती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होती है, इसलिए हमारे देश को गणतंत्र कहा गया है। यहाँ तक आप जानते होंगे, क्योंकि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष है, यानी कि हमारे देश की जो प्रमुख है, उसकी जो चुनाव जो होती है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, यानी कि वह जो वोटिंग के द्वारा, यानी कि चुना जाता है, इसलिए हम अपने देश को गणतंत्र कहते हैं, यानी कि हमारे देश को गणतंत्र कहा जाता है। तो हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, तो देखिए उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे जो अनुच्छेद की, यानी कि हमारे जो कहने की मतलब है कि हमारा जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी कि संघ की जो कार्यपालिका है क्या है, इसको समझना होगा कि संघ की जो कार्यपालिका है, ठीक है, वह अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 78 तक, यानी कि 52 से लेकर 78 तक जो है इस अनुच्छेद में हमारे संघ की कार्यपालिकाओं के बारे में है। लेकिन इसमें हमें राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के साथ जो क्या है कि राष्ट्रपति हमारे जो तीनों शक्तियाँ उनके पास है ना, कार्यपालिका शक्तियाँ भी है, न्यायिक शक्तियाँ भी हैं और विधायक शक्तियाँ भी हैं, यानी कि कानून बनाने के आधार पर भी शक्तियाँ उनके पास है ना, कि न्यायिक जो शक्तियाँ उनके पास भी है। तो हम सारी कवर करेंगे, है ना, लेकिन संघीय कार्यपालिका के अंदर जो सबसे पहले जो है वह जो राष्ट्रपति के बारे में कही गई है और सबसे पहले अनुच्छेद यही है ना, बात को ज़्यादा ना करते हैं और हम समझ पहुँचते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तो अनुच्छेद 52 यानी कि 52 जो आर्टिकल है उसमें स्पष्ट रूप से है ना, वहीं पे इस बात को कहा गया है ना। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत सारे सवाल में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि अनुच्छेद 52 यानी कि आर्टिकल 52 में ही यह बातों का उल्लेख किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 52 में लिखा गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 53 में, तो आर्टिकल 53 में कही गई है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी कि एग्जीक्यूटिव की जितनी पावर है, यानी कि जितने भी देश के अंदर अगर जो काम होगा है ना, वह राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। भले ही राष्ट्रपति जो नाम मात्र के वास्तविक प्रधान होते हैं, उसके बारे में बहुत आगे पढ़ना पड़ेगा हम, लेकिन यहाँ अनुच्छेद की चर्चा करने आए हैं, इसलिए हम करेंगे कि भले ही जो राष्ट्रपति के पास नॉमिनल पावर होता है, नाम मात्र की शक्ति होती है, लेकिन देश के अंदर जो यानी कि देश के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते देश के अंदर जितनी भी कार्य होती है ना, वह इन्हीं के नाम पे होती है। कि संघ की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका शक्ति जो है, राष्ट्रपति संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में ही निहित होती है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पे ही होती है, ठीक है। अब इसमें जो बात की गई है अनुच्छेद 54 में, यानी कि राष्ट्रपति की जो चुनावी प्रक्रिया है ना, चुनाव में कौन भाग ले सकता है, ठीक है, यानी कि जो चुनाव में कौन भाग ले सकता है, इसमें याद रखिएगा, यानी निर्वाचन मंडल, यानी कि चुनाव के जो निर्वाचन मंडल है इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताता चलूँ इसमें कौन कौन से भाग ले सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि इसमें जो निर्वाचन मंडल में हमारे जो संसद के जो दोनों सदन क्या है,
संसद के जो दोनों सदन हैं उसके जो सदस्य हैं क्या है, संसद के जो दोनों सदन हैं उसके सदस्य जो हैं इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना होगा, कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं, जो सिर्फ निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ निर्वाचित, यानी कि इलेक्टोरल, यानी कि मतलब है यहाँ पे, क्योंकि आपको तो आपको अगर नहीं समझ में आ रही इस बात को निर्वाचित हमने इस पद पर यहाँ क्यों कहा, तो निर्वाचित कहने का मतलब यहाँ स्पष्ट रूप से तात्पर्य है क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान में जो दोनों हाउसेस हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो ये बातें कही गई हैं उसमें कुछ जो सीटें हैं वह चुनकर नहीं जाते हैं, कुछ जो है मनोनीत होते हैं। तो सिर्फ वो सदस्य जो चुनकर जाते हैं, है ना, यानी कि संविधान सॉरी यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, और राज्य के जो विधानसभा क्या है, राज्य की जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे भी विधानसभा है यानी कि उनको भी इसमें शामिल किया गया है, क्या है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, वो भी भाग ले सकते हैं। तो इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन हो जाएगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा, क्या है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसके सहित जो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा है उसके भी जो सदस्य जो है इनके चुनाव में भाग ले सकते हैं, क्या है, उसके भी सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। अब अनुच्छेद 55 की बात करें, आर्टिकल 55 की बात करें, तो आर्टिकल 55 में उनके निर्वाचन की जो रीति यानी कि प्रक्रिया, यानी कि इसमें रीति जो है किस प्रकार, तो एकल संक्रमणीय पद्धति से इनकी चुनाव होती है, और इसमें क्या होता है इसको समझिए, यानी एकल जो संक्रमणीय होता है वह होता है कि, है ना, उसके अनुसार जो है कि राज्य और संघ के बीच, क्या है, राज्य और संघ के बीच की जो समानताएं हैं, है ना, उसके लिए विधानसभा और संसद के प्रत्येक सदस्य के जो सदस्य संख्या है उस पर विभिन्न प्रकार से निर्धारित की गई है। तो याद रखना है इस बात को कि यानी कि उसमें एक जो सिंपल सी बात समझिए इस बात को कि उसमें जो सदस्य जो यानी कि विधानसभा के जो सदस्य जो है वह भाग लेता है यानी कि वह वोटिंग करता है, तो उसके वोट का जो वैल्यू होता है कितना, उसको क्या कैसे माना जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस बात को आपको समझना होगा कि एक निर्वाचित विधायक का जो मत होता है, उसका मत का जो मूल्य होता है वह कितना होता है, इस बात को याद रखिए, इस भी इस बात को समझिए कि वह यानी कि वह जो होता है कि वह जनसंख्या यानी कि उस राज्य की कितनी जनसंख्या है उसको हम क्या करते हैं, और राज्यसभा के जो विधानसभा, राज्य में जो विधानसभा होते हैं उसके जो सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, उसमें जो सदस्य जो होते हैं, है ना, उनकी जो संख्या को हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा कराते हैं और उसके बाद भाग कराते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे बिहार में 243 विधानसभा के सीटें हैं, है ना, तो क्या करते हैं, जो राज्य की जनसंख्या, जैसे बिहार की जनसंख्या है 10 करोड़ मान लीजिए, है 10 करोड़ ज़्यादा ही है, तो उसमें विधानसभा को क्या कराते हैं, हम विधानसभा की सीटों के 1000 से मल्टीप्लाई करा के इसको डिवाइड कराते हैं, दो जो सीट की जो मत की वैल्यू आती है वही मत की वैल्यू होता है। तो हम आज इतना चर्चा नहीं करने आए हैं, है ना, हम मुख्य जो अनुच्छेद है उसकी बातें करने आए हैं, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 56 में जो है, अनुच्छेद 56 के अनुच्छेद जो 1 है ना, 56 के अनुच्छेद 1 में बात की गई उसकी कार्यकाल की चर्चा हुई है। कार्यकाल में एक कैसे कहा गया कि जिस दिन राष्ट्रपति जो है वह शपथ लेते हैं, क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं, है ना, उस शपथ के तिथि से पूरे 5 साल तक वो अपने पद पे बने रहेंगे, क्या है, जिस दिन से वे 5 साल के लिए, यानी कि जिस दिन वे शपथ लेते हैं, रखिएगा, जिस दिन वे शपथ ग्रहण करते हैं उस वाले दिन से वे क्या है 5 साल तक पूरे शासन यानी कि अपने गद्दी पे यानी कि अपने जो सी है जो उस पर बैठेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अनुच्छेद 56(1) में भी जान लीजिए उनकी जो है त्यागपत्र की बात कही गई है कि वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, क्या है, कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपता है, क्या है, राष्ट्रपति जो है अपने जो त्यागपत्र है मतलब समय से पहले वह त्यागपत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्रपति जो है किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, क्या है, उपराष्ट्रपति को क्या करता है अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। अनुच्छेद 57 में बात कही गई है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, खाली कार्य जो मतलब कि कार्यकाल मतलब नहीं मतलब वह कितनी बार क्या है कि कितनी बार वह निर्वाचित हो सकता है, जैसे कि वह कितनी बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव में लड़ सकता है, चुनाव में मतलब कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो क्योंकि देश की अलग अलग जो देश है वहाँ अलग अलग है, जैसे अमेरिका में जो है आप 2 बार ही मात्र चुनाव लड़ सकते हैं, क्या है, और वहाँ का कार्यकाल 4 साल का होता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, तो यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। कहाँ पे लिखी गई है, अनुच्छेद जो 57 में,
सेवन में अनुच्छेद जो 58 है, यह अनुच्छेद 58 है उसमें उनकी पद हेतु अर्हताएं। अब पद हेतु अर्हताएं कहने का मतलब क्या है, है ना, कि यानी कि कौन जो है भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कि भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि वह भारत का नागरिक हो। उसके अलावा उसका जो न्यूनतम आयु हो वह क्या है, कम से कम जो उम्र हो वह 35 साल का हो। और तीसरी जो है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता वह रखता हो। क्या है, लोकसभा का सदस्य जो निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और भारत सरकार या राज्य सरकार के, चौथी जो है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के, क्या है, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पे वह क्या हो, सुशोभित न हो, की लाभ नहीं ले रहा हो। सिंपल सी बात है, इसको बात समझ गए होंगे, ठीक है। आगे जो हमें समझना है वह है अनुच्छेद 59, हालांकि 59 उसमें बातें कही है पद की जो शर्त है, यानी कि यह शर्त क्या है, कि इसको एक भी समझिए, यानी कि पद की जो शर्त है, कि राष्ट्रपति की पद की शर्त क्या है, तो इसको भी आपको समझना होगा कि राष्ट्रपति जो है कि संसद के किसी भी सदन, क्या है इसकी शर्त है कि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए जब वह पद पे बना है, यानी कि उसको राष्ट्रपति के लिए वह नामांकित होता है, निर्वाचित होता है, तो वह जो है उनको वहां से उसको रेजिग्नेशन देनी होगी, यानी कि उसको अपना जो है क्या बोलते हैं उसके लिए रेजिग्नेशन को, है ना, जो है उसको देना होगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि इस्तीफा जिसको कहते हैं, है ना, उसको देना होगा। उसके अलावा यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उसे त्यागपत्र देना होता है, और राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, और उसे बिना किराया, है ना, यानी कि उसे सब कुछ जो है मुफ्त मिलता है, राष्ट्रपति को सब कुछ मुफ्त मिलता है, यानी कि शासकीय किराया, है ना, उसकी उपलब्धियाँ, और उस जो भत्ते हैं उसे जो पद हो या पद के दौरान हो, है ना, पद के दौरान या पद के बाद जो है कम नहीं होते हैं, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति रहे ना रहे उसके बाद जो उसकी वेतन भत्ताएं हैं वह बनी रहती हैं, ठीक है। तो ये सब उसकी जो शर्तें हैं, राष्ट्रपति को ये सब सुविधाएं मिलती हैं, है ना, यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की जो सारी सुविधाएं हैं, उसकी जो बंगले गहन जो भी जो चीज़ें हैं पूरी तरह से उनका मुफ्त होता है, किसी तरह का कोई किराया जो और उसके जो भत्ते वगैरह उसमें कोई कटौती नहीं होती है। अनुच्छेद जो है 7 में उनकी शपथ ग्रहण की बात की गई है, क्या है शपथ ग्रहण की, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, क्या है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो इस बात को बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलवाता है, हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, क्या है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वह उनको शपथ ग्रहण करवाता है, क्या है शपथ ग्रहण करवाता है। अगर उसमें वह उपस्थित नहीं हो तो उनके द्वारा जो उसकी जगह पे जो मुख्य न्यायाधीश की जो पदाभार पे होता है वह करवाता है, लेकिन कौन करवाता है शपथ ग्रहण, फिर से याद रखिए इस बात को, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के वही जो उनके शपथ ग्रहण करवाते हैं। अनुच्छेद में अनुच्छेद 61, यानी कि ये जो राष्ट्रपति को एकमात्र हटाने की प्रक्रिया है, क्या है अनुच्छेद 61 है, यानी कि राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें हटा के जिसे बना दिया गया, वैसे ही आपने कहा कोई जो विधानसभा में, ठीक है, और ऐसे ही नॉर्मल सी बात हुई और हटा दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया उसको महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट कहते हैं। और इम्पीचमेंट होता क्या है, यानी कि अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई मतलब कि राष्ट्र के नाम पे, यानी कि राष्ट्र के नाम पे कुछ राष्ट्र की जो शक्तियों का दुरुपयोग करने का कोई आरोप होता है तो क्या करना होता है, यानी कि संसद जो है, यानी कि संसद के जो दोनों सदनों में, यानी कि इसका मुद्दा कहीं से उठाया जा सकता है, लेकिन पास जो है दोनों जगह से हो गई, यानी कि संसद के जो दोनों सदन है उसके जो 2/3 सदस्य हैं, क्या है, और उस 2/3 सदस्य जो है जब पारित कर देते हैं, यानी कि दोष उन पे जो दोष की जो बात होती है वह साबित हो जाती है, तो राष्ट्रपति को क्या होता है अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, और इसी को इम्पीचमेंट कहते हैं। और याद रखने इस बात को भी कि राष्ट्रपति को पद से हटने से पहले उनको 14 दिन की नोटिस दी जाती है, कि 14 दिन का समय सीमा दिया जाता है, 14 दिन के समय सीमा में राष्ट्रपति अगर खुद से त्याग पत्र देते हैं, उनको लगता है कि हमने ऐसा किया है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही जो प्रक्रिया जो संसद करती है, और इस प्रक्रिया से इनके 2/3 बहुमत से, क्या है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, है ना, 2/3 बहुमत से उनको तब हटा सकते हैं। उसके बाद जो है कि अनुच्छेद 71 में बात है निर्वाचन विवाद, क्या है निर्वाचन विवाद, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी निर्वाचन के अंतर्गत जो विवाद उत्पन्न होती है, क्योंकि
राष्ट्रपति में जैसे बातें आ गई कि हरेक गड़बड़ी हो गई है, है ना, कि इस समस्या को जैसे राष्ट्रपति बनने से पहले तो कोई दो पार्टी के ही उम्मीदवार होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन एक पार्टी इस तरह से राष्ट्रपति के संबंधित जो विवाद है उस विवाद का जो निपटारा है उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ही ये फैसला हो सकता है निर्वाचन के विवाद से संबंधित। और अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति के पास है ना, राष्ट्रपति के जो पास क्षमादान की शक्तियाँ हैं, क्या है, क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं, यानी कि अनुच्छेद 72 में बातें कही गई है राष्ट्रपति के जो क्षमा शक्ति है कि राष्ट्रपति किसको क्षमा कर सकता है, यानी कि देखते हैं आप कि राष्ट्रपति के पास, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है किसी की उम्र को, है ना, कि जो उसकी मौत की सजा होती है उसको कम कर देता है। तो ये सारी जो चीज़ें इसी के द्वारा इसी अनुच्छेद में शक्तियाँ दी गई है कि वह, है ना, कि राष्ट्रपति जो है किसी की जो क्या है उसकी जो सजा है उसको माफ़ करेगा या नहीं करेगा, सब उसके हाथ में होती है। और वह बहुत अलग अलग प्रकार की उसके पास माफ़ी की जो प्रक्रिया है जिसमें क्या कर सकता है वह उसको समझना है, लेकिन बस यहाँ बिना समझिए कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ हैं, है ना, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी चीज़ जैसे उम्र कैद, जैसे फांसी है तो उसको उम्र कैद कर सकता है, और भी उम्र कैद है तो उसे और भी कम कर सकता है, पूरी तरह से माफ़ कर सकता है, ये उसके पास सारी होती है। और अनुच्छेद 85 क्या है, अनुच्छेद 85 में लोकसभा के पास ये सॉरी अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं, है ना, शक्तियाँ कहने का मतलब ये नहीं सब उसके पास नॉमिनल शक्तियाँ हैं, है ना, लेकिन ये सब जो अधिकार है वही कर सकता है, सिग्नेचर उसी का होगा, सिंपल सी बात है, समझना है कि राष्ट्रपति को ये महसूस हो जाता है, राष्ट्रपति को लगता है महसूस हो, मतलब खुद से महसूस होगा उसे नहीं, बस उसके खिल जैसे, मतलब कहने का मतलब है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है कि जिस पार्टी की जो सरकार है उस पार्टी की सरकार है, लोकसभा में जो उसके खिलाफ अविश्वास पारित हो जाता है तो जो लोग, तो वह राष्ट्रपति क्या करता है उस आधार पर लोकसभा को विघटन यानी कि इसको सत्रावसान करते हैं, उसके करने की शक्ति भी क्या है लोकसभा के पास ही है। तो राष्ट्रपति से संबंधित और भी बहुत महत्व जो अनुच्छेद है, विधायी न्यायिक है ना, न्यायिक में जैसे हमने एक बात बताई, इसमें एक बताई है जो, है ना, जो विधायी शक्तियाँ हैं, क्या है विधायी शक्तियाँ थी और अभी विधायी शक्तियाँ हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटर लेजिस्लेचर पावर और जो जुडिशरी पावर है आगे के अनुच्छेद में करेंगे, तब तक आप इसको देखिए। और आपको मेरा उम्मीद है कि आप एक चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पर राष्ट्रपति किस किस जो अनुच्छेद में कौन कौन सी शक्तियों का वर्णन है राष्ट्रपति के बारे में। हम आगे और भी इस पाठ को कवर करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।